विधानसभा के भीतर सबसे मूलभूत समस्या यहाँ पर शिक्षा को लेकर है। जैसे कि यहाँ पर महाविद्यालय के लिए संघर्ष करा गया, महाविद्यालय खोला गया, लेकिन वहाँ पर आज तक कोई भी स्थायी प्राचार्य नहीं है, वहाँ प्रवक्ता नहीं है। विद्यार्थियों को यहाँ पर बीएससी से आगे के लिए पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। मेरी नज़र में सबसे मूलभूत समस्या यहाँ पर शिक्षा की है। उसके अलावा बेरोजगारी तो पूरे उत्तराखंड में ही है, सोमेश्वर के अंदर भी है, और सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो ये जंगली जानवरों को लेकर आ रही है, उसके लिए कई बार प्रशासन को भी कह चुका है, लेकिन उसका कोई अभी तक निपटारा नहीं हुआ। कितना नुकसान हो जाता है आपका, अगर मैं साल भर की बात करूं तो आपकी खेती को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? खेती तो चौपट हो गई है। आलू प्याज लगाए तो बंदर खा जा रहे हैं, इसके उसमें अभी तक कोई समस्या नहीं। अच्छा, उसका निदान नहीं हो पाया। आपका क्या नाम है? गोपाल राम आर्य। गोपाल जी, बताइए कितनी दिक्कत है जंगली जानवरों की? खेती पर आप लोग निर्भर हैं, क्या वो भी कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। जो बो रहे हैं, और दिन में बंदर आ रहे हैं, रात को सुअर आ रहे हैं, और कोई पानी की समस्या भी नहीं है सही ढंग से, सुचारू रूप से। रेखा आर्या ने यहाँ पर काम करने की कोशिश की, परंतु उनको कोई भी सहयोग नहीं मिल पाया। जिस तरीके से हरीश रावत जी ने पूरे 69 विधानसभाओं में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने दौरा किया, और सोमेश्वर को उन्होंने अनदेखी की, और इसका खामियाजा उनको इस विधानसभा क्षेत्र से अभी 2017 के चुनाव में मिलेगा। और हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर मजबूती के साथ उभरे, और रेखा आर्या भारतीय जनता पार्टी से जीत के जाएं और विधायक बने। विधायक और सरकार के बीच में जो समन्वय की कमी आ रही है, वो भी यहाँ देखने को मिल रही है सोमेश्वर विधानसभा में। कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार उनकी थी, विधायक भी उनके थे कुछ समय तक, लेकिन फिर चले गए, लेकिन क्या ये जो बुनियादी समस्याएं विधानसभा के लोगों के पास अभी भी बैठी हुई हैं, उन्हें क्यों नहीं दूर किया गया? माननीय एनडी तिवारी जी यहां के मुख्यमंत्री थे, यहां का चाहे डिग्री कॉलेज की बात आती हो, वो उसकी स्वीकृति करी, डिग्री कॉलेज खोला, यहाँ हमने तहसील खुलवाई, यहाँ हमने अस्पताल खुलवाया, और इसके अलावा बहुत सारी सड़कें, इंटर कॉलेज, तमाम चीजें इस विधानसभा सोमेश्वर के भीतर हुई है। और केवल जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक 2007 में यहाँ पर बनकर के आए, डिग्री कॉलेज के में टीचरों की अगर लोगों ने डिमांड की, तो यहाँ के लोगों को जेल ठूसने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, और यहाँ के विधायक उसमें खुद शरीक थे। और आज भी जो मूलभूत यहाँ की विधायक भाग करके गई है, केवल पैसे के लालच में भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई है, यहाँ की जनता निश्चित रूप से उनके सामने में रखेगी। और जनता ने यह निर्णय लिया है कि 2017 आने वाला 2017 हरीश रावत का होगा, और यहाँ की जनता का होगा। और निश्चित रूप से मुझे लगता है यहाँ की लखनाड़ी की सड़क अभी अभी शुरुआत की है, माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की देन है, और आपकी हमारे यहाँ पर ITI की स्वीकृति दिलाई, जिसका भवन आपके सामने बना है, ITI हमारी कांग्रेस की देन है। गैस गोदाम, यहाँ के लोगों की मूलभूत समस्या जो गैस यहाँ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने स्वीकृति की, और जिसमें आज गैस यहाँ लोगों को मिल रही है। एक जो सीधा सा आरोप लगा था कि क्यों पाले बदल दिए जाते हैं, जब जनता चुनकर भेजती है तो क्यों नहीं कायम रहा जाता, अगर रहते हैं तो फिर सरकारें मदद क्यों नहीं करती, चाहे विधायक किसी के भी हों, ये जानने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा आरोप जो आपने अभी लगाया था, उसका जवाब दिया गया है कांग्रेस की तरफ से कि 4 साल जब थे आप तो मदद नहीं हो पाई। उनका ये कहना है कि आप मदद करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इन सबके पीछे जनता के जो मुद्दे थे, जो समस्याएं थी, वो तो जस की तस रह गई। 4 साल तक आपने कहा कि 4 साल तक यहाँ पर विधायक भारतीय जनता पार्टी के रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना काम किया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। सारे पुल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए हैं, और रेखा आर्या को सिर्फ 2.5 साल का समय मिला था। रेखा आर्या के साथ भारतीय हरीश रावत जी ने अन्यायपूर्वक काम किया, और उसके तहत भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा। क्या मुद्दे थे जनता के, कितनी समस्याएं थी, पानी पीने को नहीं मिल पा रहा गांव में, बिजली नहीं मिल पा रही है, उसके ऊपर राजनीति होती है, क्या समस्या है बताइए? समस्या तो सर यही है कि अगर पानी वानी ना मिले अगर आम जनता को, तो आम जनता अगर चुनाव मुद्दे पर अगर बोलने चाहेगी तो नहीं बोल पाएगी, और वोटिंग करने के लिए अगर बातें करते हैं तो वो वोट करने के लिए भी नहीं आएंगे। जो जब भी मतलब हमारे पहाड़ में जो भी परेशानी रही, तो हमारे लोगों का यही रहा कि आज पानी नहीं, बिजली नहीं, कई चीज ये चीज वो नहीं, तो इन्हीं चीजों को मुद्दे को लेकर सर ये चीज है। धोखा ही धोखा, जनता को धोखा मिला। आज नोटबंदी के सिलसिले में कहते वो भी लोगों को धोखा ही मिला।
अभी तक लोग अपनी लाइनों पर लगे हुए हैं। ये झूठे बात है, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए डालने की बात की थी, वो खाली कुछ घोषणा है। आज इस क्षेत्र की दुर्भाग्य यह है कि यहाँ की जो विधायक रही, वो विधायक भी बीच में अपना पाला बदल दिया। हमारे शोभनगर की दुर्भाग्य यही है कि यहाँ की जनता ने उनको चुन के भेजा, उनको मान दिया, सम्मान दिया, उन्होंने यहाँ की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया है। और इस धोखे को आज जनता अपने वोट दे के हरीश रावत जी को यहाँ से फिर दोबारा पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे यहाँ से। अगर सिंचाई के पानी की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। क्या काम हुआ, क्यों नहीं इन मुद्दों पर चर्चा की जाती? देखिए, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकार को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए था कि यहाँ पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाए, और सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण यहाँ पर जो है आलू की पैदावार को नुकसान होता है। और अगर कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर आलू पैदा होता है तो उस पैदावार को बंदरों और सुअरों से नुकसान पहुंचाया जाता है। कितनी समस्या है जो जंगली जानवरों को लेकर एक बहुत, हालांकि पूरे उत्तराखंड की यह समस्या है, कुछ इस विपक्षी दल होने के नाते आप यहां पर मौजूद हैं, आपने कितनी आवाज उठाई जंगली जानवरों के बचाव के लिए? हम तो रोजी आवाज उठाते हैं। हमने यहाँ पर क्षेत्रीय वनाधिकारी हैं लोहनी जी, उनको भी यहाँ पर अपने पेपरों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से उनको भी सूचित किया, और यहाँ पर तहसीलदार को हमने सूचित किया, सभी लोगों को सूचित किया है, और यहाँ तक कि हमने जिलाधिकारी महोदय से भी यहाँ पर हमारा एक प्रतिनिधिमंडल गया और जिलाधिकारी महोदय से भी हम इस संबंध में मिले हुए। चलिए, जिलाधिकारी से भी मिले हुए हैं, उन पर बात अपनी रखी है। बहुत बड़ी समस्या है, केवल सोमेश्वर जो कस्बा सामने जो शहर नजर आता है वही नहीं है, बल्कि सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो कई किलोमीटर दूर पर्वती विषम परिस्थितियों में रहते हैं, वहां पर जंगली जानवरों का आतंक है, कृषि कैसे हो यह सबसे बड़ा सवाल है। पूरे प्रदेश की समस्या है लेकिन सोमेश्वर की सबसे ज्यादा है, जंगली जानवरों से नुकसान हो रहा है। क्यों नहीं एक सरकार में आप मौजूद थे, एक अच्छी सी नीति बनाकर इन जानवरों से कृषि को कैसे बचाया जाए, अब तक उसके विषय में क्या किया गया आप बताएं। मैं सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने निश्चित रूप से बंदरबाड़े बनाने की अपने एक मुहिम छेड़ी है, और निश्चित रूप से बंदरबाड़े भी बन रहे हैं, और जंगली सुअर को के मारने के लिए भी उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया है जिसकी कोई परमिशन केवल फॉरेस्ट गार्ड से लेकर के उसको निस्तारित करने का उन्होंने उसमें जियो किया है, और निश्चित रूप से कई जगह ये हुए भी हैं। और यही ताकुला विकासखंड जहां हम सुमेश्वर विधानसभा के भीतर खड़े हैं, आप ताकुला के क्षेत्र में चले जाएं, हमने वन विभाग से करीब 400 नाली जमीन को पूरा आपका वेल्डिंग मैच से पूरा चार दीवारी उसमें की है, जिसमें वहां लोग कम से कम मैं समझता हूं 400 परिवार आलू उगा रहे हैं। और आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से मैं तो चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप उस क्षेत्र में जाकर के भी देखें कि लोगों ने किया, इस सरकार ने किया है या नहीं किया है, किस सन में किया है, वो भी आपके सामने में उजागर होगा। अस्पताल नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, अभी तक अस्पताल क्यों नहीं आ पाए? आपको बताएं, निश्चित रूप से अस्पताल, इतना बड़ा सा अस्पताल आपके सामने में है जिसमें डॉक्टर भी है, जिसमें महिला डॉक्टर भी है, और जिसमें फार्मासिस्ट भी है, और तीन डॉक्टर हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से पहाड़ में डॉक्टरों को आने में जरा सी परेशानी जो वो समझते हैं, मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ, आपने भी देखा, आप ही के द्वारा हमने सुना है, वॉक इन इंटरव्यू लगातार हो रहे हैं, इसी सरकार में किए हैं, तमाम लोगों ने ज्वाइनिंग किया है, तमाम लोग पीजी करने चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि पहाड़ में अस्पताल डॉक्टरों से डॉक्टर विहीन है, आपके सामने में यहीं पर भैसड़ गांव में डॉक्टर हैं, यहाँ डॉक्टर हैं, आपके सुमेसर प्रॉपर में डॉक्टर हैं, ताकुला में डॉक्टर हैं, कहाँ नहीं है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग झूठे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको खुद निजात होना चाहिए। मैं एक बात और आपके सामने कह देना चाहता हूँ कि आपने एक दो बातें पूछी थी, मैं तो दुर्भाग्य है, गरीबों का पैसा जो जेब से बाहर हमारे बैंक में रखा पैसे को रोक दिया, इससे बड़ा दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस देश के प्रधानमंत्री जो गरीबों के जेब में डाका डाल दिया है, और कहते थे काले धन, हम 15 लाख रुपया लोगों के जेब में आ जाएगा, खातों में आ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि बताए तो सही, हो कहाँ गया वो 15 लाख रुपया? चलिए, तो ये मुद्दे थे सोमेश्वर के, ये मुद्दे थे आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस, किसी और नुक्कड़ पर कोई और चुनावी घुमक्कड़ आपका इंतजार कर रहा होगा।